नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कान्हा जी के लिए एक खूबसूरत सा पोशाक लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने सिलाई में 12 फंदे डाले हैं, 12 स्टिचेस, और हम दो लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे। आगे से भी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे और पीछे से भी सभी फंदे उल्टे। दो लाइन हमने उल्टा उल्टा बुना है, जिससे सामने से भी एक उल्टे फंदों की धारी आ गई है और बैक से भी। अब हम इन 12 फंदों को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसा कि हम बच्चों का स्वेटर बनाते हैं तो फंदों को 5 भागों में डिवाइड करेंगे, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। इन 12 फंदों को हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ये एक एक फंदा बॉर्डर का रहेगा और फिर ये 4 फंदे डिवाइडर के, तो 6 फंदे हो गए। सामने एक फंदा 8, बाँ पे एक एक फंदा 10 और पीछे की तरफ 2 फंदा। इस तरह 12 फंदा हमारा हो गया, एक बॉर्डर, एक ये फ्रंट पार्ट, एक पहला डिवाइडर, एक आस्तीन, एक दूसरा डिवाइडर और 2 बैक का, एक तीसरा डिवाइडर, एक आस्तीन, एक चौथा डिवाइडर, एक फ्रंट का और एक बॉर्डर का। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह 12 फंदों को हमने इस तरह विभाजित किया है। तो इसी तरह हम इन 12 फंदों को बुनेंगे। पहला फंदा हमारा बॉर्डर है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर एक फंदा फ्रंट का, उसके बाद ये पहला डिवाइडर है तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। इसके दूसरी तरफ भी हमें जाली देना है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा। ये फंदा जो है, दूसरा वाला फंदा, ये आस्तीन का फंदा हो गया। अब फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, ये दूसरा डिवाइडर है तो जाली देते हुए सीधा। इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा। ये आपका बैक का एक फंदा बुना जा चुका है और ये दूसरा फंदा, 2 फंदे हो गए। अब ये हो गया तीसरा डिवाइडर, ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा। ये तीसरा डिवाइडर हो गया, इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा। ये फंदा आस्तीन का भी हो गया, उन अपनी ओर करेंगे, ये 4 डिवाइडर है तो जाली देते हुए सीधा। इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे, और ये जो है वो सेकंड फ्रंट का फंदा है, इसे हम जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। और लास्ट फंदा बॉर्डर है, इसे उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। हमें बस पहले लाइन में डिवाइड करने में ही परेशानी होगी, बाकी सब बुनना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमारे फंदे 5 हिस्सों में बट गए हैं। और ये 2 लाइन बुना जा चुका है, अब ये तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा। फ्रंट पे एक फंदा था, जाली बनने से ये 2 फंदा हो गया, 2 फंदा सीधा। अब ये हमारा डिवाइडर आ गया, तो उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा। फिर देखिए यहाँ पे एक फंदा था बैक में, दोनों ओर से जाली बनने से ये 3 हो गया, तो उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3।
अब ये दूसरा डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा, इसके दोनों तरफ जाली देना है इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैक पे हमने दो फंदे रखे थे और दोनों ओर से जाली बनने से अब ये चार फंदे हो गए, तो जाली देते हुए चार फंदे सीधे। अब ये तीसरा डिवाइडर है, ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा और फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए तीन फंदे सीधे। यह हमारा दूसरा आस्तीन हो गया। फिर ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर किया और ये सेकंड फ्रंट पार्ट है, तो ये दो फंदे सीधे हो गए और लास्ट फंदा चूँकि बॉर्डर है इसे उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये बॉर्डर को लेके सातवां लाइन है, तो पहला फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे। ये देखिए सेकंड डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे हमने ये हमारा बैक पोर्शन है, तो जाली देते हुए छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब यह हमारा तीसरा डिवाइडर आ गया, ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे और ये हमारा सेकंड आस्तीन आ गया, तो जाली देते हुए पांच फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच, ऊन अपनी ओर करेंगे, ये फोर्थ डिवाइडर है, तो जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे, जाली देते हुए सीधा और लास्ट फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उल्टा, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार और डिवाइडर आ गया, तो इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है। और फिर जाली देते हुए सात फंदे सीधे। फिर हमारा ये दूसरा डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा और इसके दोनों तरफ जाली देना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब ये तीसरा डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब ये चौथा डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदे, जाली देते हुए सीधा, दो तीन चार और लास्ट फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा ग्यारहवां लाइन है, ये चार जाली दिया तो आठ लाइन ये और दो लाइन बॉर्डर का, दस लाइन कंप्लीट हो गया है और ये ग्यारहवां लाइन है, तो पहला फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच और ये छठा फंदा बॉर्डर का, ये भी हम सीधा बुन लेंगे।
अब ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और घटाते जाएंगे। दो फंदा उल्टा बनाया, पिछला वाला फंदा इसमें घटा दिया। ये हमारा आस्तीन घटने जा रहा है। चार जाली कंप्लीट होने के बाद हम आस्तीन के सभी फंदे घटा देंगे। और ये हमारा आस्तीन कंप्लीट हो गया। और अब ये सेकंड डिवाइडर आ गया, तो इसको सीधा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा इस पर ऐसे चढ़ा देंगे। और ये आस्तीन के सारे फंदे घट गए। अब शेष फंदे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये फिर आस्तीन के फंदे आ गए, तो हम उल्टा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पे चढ़ाते जाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और ये डिवाइडर इसको सीधा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा इस पर चढ़ा देंगे। और शेष फंदे उल्टे, शेष फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। हम सबको एक में ही बुन लेंगे। ये दूसरा आस्तीन है, इसको भी अब यहाँ निकल गया, सबको एक में ही कर लेंगे। अब शुरू के और लास्ट के फंदे हम उल्टे बुनेंगे और बीच के सभी फंदे सीधे। लास्ट फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। इस समय हमारे सिलाई पे 26 फंदे हैं, 26 स्टिचेस। और ये आस्तीन घटाने के बाद ये तीसरा लाइन है। सभी फंदे सीधे बुनेंगे, पहला और आखिरी फंदा उल्टा। और रॉन्ग साइड से हमेशा की तरह सभी फंदे उल्टे। पंद्रहवीं लाइन और सामने से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे ऐसे, और शेष फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा। और रॉन्ग साइड से अब हम
उल्टा बुनते जाएंगे और फंदों को घटाते चले जाएंगे। उल्टा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे उतारते चले गए। ये हमारा 16वां लाइन है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली बनके तैयार हो गया। और अब हमें नीचे का घेरा बनाना है, तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं।